हेलो गाइस, वेलकम टू धनुका एग्रीकेडमी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल और उसके रीजन, मतलब फोरगट, मिडगट और हाइंड गट में प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट टू की जो वीडियो आएगी उसमें अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब जहाँ जहाँ से एंजाइम सिक्रेशन होते हैं वो देखेंगे, और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किन किन स्टेप के थ्रू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। तो बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, आप डायग्राम में देखिए, ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि माउथ एरिया से लेके एनस एरिया तक फैले रहता है। और बात कर रहे हैं तो ये बॉडी के एकदम मिडिल पार्ट में प्रेजेंट रहता है, जिसके आसपास हिमोसिल या इंसेक्ट ब्लड प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करें तो ये तीन रीजन में डिवाइड रहते हैं। पहला इनका फोरगट, जो कि आपका माउथ प्री ओरल केविटी से लेके गैस्ट्रिक सीसी, जो कि आपका फोरगट एरिया है। अब सेकेंड जो है आपका गैस्ट्रिक सीसम से लेके आपका ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन या पाइलोरिक वॉल्व, जो कि यहाँ तक प्रेजेंट रहता है। और थर्ड है आपका हाइंडगट, जो कि आपका एनस तक प्रेजेंट है। तो चलिए वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका फोरगट, इसको स्टोमोडियम भी कहते हैं, इसका मतलब होता है माउथ रीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं इंसेक्ट। पता है आपको उनकी जो बॉडी है वो तीन लेयर, तीन जर्मिनल लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला है एक्टोडर्मल, दूसरा मीजो और तीसरा एंडोडर्मल। तो ये जो फोरगट का फॉर्मेशन होता है वो एक्टोडर्मल होता है। सेकेंड मेन पॉइंट है इसमें ये इंटरनल क्यूटिकल लाइनिंग इनमें प्रेजेंट रहती है, मतलब क्यूटिकल की एक पतली सी परत जो है इनमें प्रेजेंट रहती है। और माउथ कैविटी की बात करें तो आप देखेंगे ये लेब्रम, लेब्रम जो सबसे अपर पार्ट है ये आपका लेब्रम, उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ये लेबियम जो कि लोअर लिप है, और बगल में मैंडिबल्स, ये ग्रीन कलर के वन पेयर मैंडिबल्स प्रेजेंट है, और ये मैक्सिली, ये वन पेयर मैक्सिली प्रेजेंट रहता है। बात करें हाइपोफेरिनिक्स की, तो हाइपोफेरिनिक्स आपका बीच में सेंटर में प्रेजेंट रहता है। हाइपोफेरिनिक्स के बेस पे अगर देखा जाए तो एक स्लाइवरी ग्लैंड ओपन होता है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ से, मानिए ये आपका जो है हाइपोफेरिनिक्स है, और इसी के जस्ट नीचे में स्लाइवरी ग्लैंड ओपन होता है जैसे स्लाइवा सिक्रेट होता है। अब देखते हैं फोरगट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और किस किस चीज से बना होता है ये। तो सबसे पहला पार्ट आता है अपना फेरिंग्स। फेरिंग्स आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है। फेरिंग्स जो रहता है वो माउथ पार्ट और ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट रहता है। ईसोफेगस आप देखेंगे ये नैरो स्ट्रक्चर रहता है, जो कि क्या काम करता है, फेरिंग्स से फूड को लेके ट्रांसपोर्ट करता है किधर, क्रॉप की ओर। थर्ड स्ट्रक्चर क्रॉप की, तो क्रॉप का स्ट्रक्चर सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये डायरेक्टेड फॉर्म में रहता है, मतलब खुला हुआ और चौड़ा, जो कि ज्यादा स्पेस लेके बना हुआ होता है। जहां पे क्या होता है फूड जो कि ईसोफेगस से आता है क्रॉप में क्या होता है स्टोर हो जाता है, गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। तो ये आप देख सकते हैं ये रहा स्ट्रक्चर प्रोवेंट्रिकुलस का। ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा रहता है कंपेयर टू क्रॉप, और इसमें क्यूटिकुलर इंटीमा लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल की इंटीमा लेयर पाई जाती है, जो कि मॉडिफाई जाती है टीथ स्ट्रक्चर में, और जो कि डेंटिकल्स भी जिसको बोला जाता है। ये क्या काम और क्या काम करता है, ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, फूड मटेरियल को छोटा करने में हेल्प करता है। अब बात करें इंटरनल क्यूटिकल गिजार्ड की, तो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। बात करें कॉकरोच में तो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि फूड को ग्राइंड और स्ट्रेन करने में हेल्प करता है। हनी बी की बात करें तो उनमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जो कि नेक्टर से पोलन ग्रेन को सेपरेट करता है। और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर की बात करें जो कि फ्लिया में प्रेजेंट रहता है, और वो क्या करते हैं अपने ब्लड कॉर्पसल्स को ब्रेक करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं ब्लड, उनको ब्रेक किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फोरगट का मेन फंक्शन क्या रहा, ये सबसे पहले क्या करते हैं फूड को इनटेक करते हैं और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और मेन चीज ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, कहाँ पे, प्रोवेंट्रिकुलस में। तो अपन देख सकते हैं जैसे ही प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड का पार्ट खत्म होता है, फोरगट के पोस्टेरियर एरिया में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, जो कि मिडगट के एंटेरियर एरिया को क्या करता है, जोड़ता है। आप देख सकते हैं ये, इसको कहते हैं स्टोमेडियल वॉल्व। ये आपका मिडगट के आगे और फोरगट के पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है, एक तरह से ये ब्रिज का काम करता है। और इसके चारों ओर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक या हेप्टिक सीकी, जो कि 5 से 6 नंबर पे प्रेजेंट रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडगट सीकम के इधर स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट रहते हैं। आप नीचे वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये रहा आपका गैस्ट्रिक सीकम, जो कि 5-6 नंबर पे प्रेजेंट रहते हैं। अब अपन देखते हैं आगे उसके मिडगट के पार्ट को। तो मिडगट की बात करें तो इसको मेजेंट्रोन कहते हैं, इनका अदर नेम मेजेंट्रोन है, और ये एंडोडर्मल ओरिजिन होते हैं। जो मिडगट का ओपनिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेडियल या कार्डियक वॉल्व के थ्रू होता है। और सेकेंड मिडगट की बात करें तो ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर रहता है, आप देख सकते हैं कंपेयर टू
कंपेयर टू फोर गट स्ट्रक्चर देखेंगे, मिड गट का स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रहता है और ये स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि प्रिमेटिव इंसेक्ट में पाया जाता है। प्रिमेटिव इंसेक्ट मतलब जितने भी एटेरिकोड्स के इंसेक्ट आते हैं, एग्जाम्पल के लिए थाइसिनुरा, सिल्वर फिश की बात करें या प्रोट्यूरा और डिप्लूरा, ये सारे इंसेक्ट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। बाकी किसी किसी में सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है मतलब इस आकार का, और किसी किसी में पायरीफॉर्म और फ्यूजीफॉर्म, स्पेशली इन कैटरपिलर। पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप जिसको हम नाशपाती कहते हैं, और फ्यूजीफॉर्म की बात करें तो स्पिंडल शेप मतलब कुछ इस तरह गाजर के आकार का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्यूटिकलर लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होता, मतलब क्यूटिकल की परत बिल्कुल नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। तो मिडगट की बात करें तो ये एपिथेलियल सेल से बना होता है जो कि तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स के। पहले आपका सिक्रेटरी सेल्स, अब ये आप डायग्राम में देखिए, ये रहा आपका पूरा एपिथेलियल सेल। और इसमें बात करते हैं अपन पहला सिक्रेटरी सेल जो कि ये इस स्ट्रक्चर का होता है, सिक्रेटरी सेल कॉलम शेप का। बात करें सेकेंड अपन गोबलेट सेल्स जो कि क्या रहता है, एज सिक्रेटरी सेल, मतलब जो पुराने सिक्रेटरी सेल्स रहते हैं वो कन्वर्ट जाते हैं गोबलेट सेल्स में इस टाइप के स्ट्रक्चर में। अब थर्ड होता है आपका रीजनरेटिव सेल्स जो कि रिप्लेस कर देता है सेक्रेटरी सेल्स को, मतलब ये जो सेक्रेटरी सेल्स हैं इनमें से फिर जो नया सेल्स निर्माण होता है, नया सेल्स बनता है नीचे की ओर से, जो ऊपर बनता है उसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स। तो ओवरऑल इनसे पूरा मिलकर मिडगट बना होता है। अब अपन देखते हैं कि मिडगट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले आपका गैस्ट्रिक सीका या गैस्ट्रिक सीकी, जिसको एंट्रिक सीकी और हेप्टिक सीकी भी बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर रहता है जो कि कहाँ पाया जाता है, ये आपका एंटेरियर या पोस्टेरियर एंड के मिडगट में। और सेकेंड अपन देखेंगे इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये फंक्शनल एरिया जो मिडगट का है बढ़ाता है, और स्पेशल क्या काम करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड कराता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को, मतलब जो कुछ माइक्रोब्स रहते हैं जो उनको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराता है, रहने की जगह देता है। आपको डायग्राम में दिखाता हूँ आगे गैस्ट्रिक सीसी। अब आप ये समझिए कि हम जो मिडगट है, मिडगट के थोड़ा सा अंदर अंदर वाले पार्ट में इंटरनली देख रहे हैं उसको, तो इंटरनली देखा जाए तो अपन ये देख सकते हैं, ये रहा गैस्ट्रिक सीकी जो कि फिंगर आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की जो कि मिडगट में प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। ये किससे बना होता है, ये एपिथेलियल सेल से बना होता है, और ये प्रेजेंट किस में रहता है, ओनली सॉलिड फीडर्स में, ये आपको याद रखना है। और ये बिल्कुल अब्सेंट रहता है सेफ फीडर्स जो कि लिक्विड फीडर्स रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए एफिड, गंदीबग, इनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लेयर रहती है ये सेमी परमिएबल रहती है, मतलब ओनली डाइजेस्टिव इंजाइम्स और डाइजेशन प्रोडक्ट्स को ही अलाउ करती है, बाकी चीज़ों को ये डिसअलाउ कर देती है। तो एक तरह से इसमें क्या होता है, जो भी फूड प्रोडक्ट रहता है वो लुब्रिकेट हो जाते हैं अच्छे से, ताकि जो फूड का मूवमेंट है वो आराम से हो पाए आगे की ओर। और एक काम और ये करता है कि ये एक प्रोटेक्टिव कवर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, किसके किसके लिए, एपिथेलियल सेल्स के लिए, कि जो हार्डर फूड पार्टिकल्स रहते हैं उनसे एपिथेलियल सेल्स को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, अब थर्ड नंबर की बात करें अपन, इसमें इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर आता है वो है पाइलोरिक वॉल्व। ये देखा जाए तो इसका आधा पार्ट आपका मिडगट में आता है और आधा पार्ट हाइंडगट में आता है, लेकिन इसको हम मिडगट में लेके चलते हैं। तो पाइलोरिक वॉल्व की बात करें तो इसको प्रोक्टोडियल वॉल्व भी कहते हैं। इसका ओपनिंग कहाँ होता है, इसका ओपनिंग मिडगट का एंटेरियर पार्ट में होता है, अरे पोस्टेरियर पार्ट में होता है, और हाइंड गट के एंटेरियर पार्ट में होता है, मतलब ये एक ब्रिज का काम करता है मिडगट और हाइंड गट को जोड़ने का। और इसका मेन का काम होता है, इसका जितने भी फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आए रहते हैं जिनमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है या आधा डाइजेशन से ज़्यादा ज़्यादा डाइजेशन हो जाता है, तो वो फूड पार्टिकल्स क्या क्या करते हैं, वो मूव करते हैं हाइंड गट की ओर, जो कि उनको पाइलोरिक वॉल्व क्या कराता है, रेगुलेट कराता है या हेल्प करता है उनको फूड फ्लो कराने में। अब कुछ मेच्योर स्टेजेस इंसेक्ट की बात करें जिनमें मिडगट और हाइंडगट कनेक्ट नहीं होता, किसमें, पाइलोरिक वॉल्व के थ्रू, तो ये स्पेशली हनी भी ग्रब में नहीं होता है जिनमें प्यूपेशन तक पाइलोरिक वॉल्व का फॉर्मेशन नहीं हो पाता या हाइंडगट और मिडगट कनेक्ट नहीं रहते हैं इसके थ्रू। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं मिडगट की, फिल्टर चैम्बर। मैंने आपको बताया जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन रहता है वो ओनली प्रेजेंट रहता है सॉलिड फीडर्स में, लेकिन जो फ्लूड फीडर्स रहते हैं या हेमिपेरेंस ऑर्डर के इंसेक्ट रहते हैं उनमें प्रेजेंट होता है फिल्टर चैम्बर जो कि लिक्विड को फीड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिल्टर चैम्बर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये एक थीन वॉल ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि आपका एंटेरियर मिडगट और पोस्टेरियर मिडगट से अटैच रहता है, जो कि मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स भी इनमें बाउंड रहते हैं, वो भी अटैच रहते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो जैसा कि हेमिपेरेंस
हेमीपेरेंथीन सेट क्या करते हैं, क्या फिट करते हैं, फ्लूड फिट करते हैं, लिक्विड फिट करते हैं। तो उनमें जो एक्सेस वाटर होता है या एक्सेस शुगर होता है उसको उन लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट रास्ता से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये फिल्टर चैम्बर उसमें हेल्प करता है, जो एक्सेस वाटर जो रहता है वो फिल्टर चैम्बर में आके डायरेक्टली हाइंड गट से बाहर निकल जाता है। और इसमें एक और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो मिडिल पोर्शन है मिडगट का मिडिल पोर्शन है, बिल्कुल जो फूड है वो उधर बिल्कुल नहीं जाता, वो डायरेक्टली फिल्टर चैम्बर से बाहर निकल जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बाईपास का काम करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो भी हीमोलिम्फ है, जब ब्लड जो इंसेक्ट का ब्लड रहता है और जो एंजाइम रहता है वो जो क्या है फूड से डाइल्यूशन ना हो पाए, ना कि उसमें मिक्स ना हो जाए, तो वो एक तरह से प्रिवेंट करता है फिल्टर चैम्बर, ताकि जो एंजाइम एक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। अब बात करें एफिड में, तो एफिड में क्या है हनी ड्यू सिक्रेशन होता है, जो कि फिल्टर चैम्बर हेल्प करता है उनको हनी ड्यू सिक्रेशन करने में, जिसमें भारी मात्रा में शुगर पाया जाता है। अब देखा जाए तो ओवरऑल मिडगट का मेन फंक्शन क्या रहा, मिडगट का मेन फंक्शन है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब जो जितने भी फूड पार्टिकल्स में से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो डाइजेशन करता है और कुछ हद तक फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी आगे उसका काम कौन करता है, हाइंड गट। तो अब हाइंड गट देखते हैं कि क्या होता है, मिड गट जो क्या करता है फूड पार्टिकल्स को पास कर देता है थर्ड रीजन मतलब हाइंड गट में। तो चलिए अब देखते हैं हाइंड गट। अब बात करते हैं द लास्ट वन, द लास्ट पार्ट, द लास्ट रीजन हाइंड गट, जिसको प्रोक्टोडियम भी कहते हैं, मतलब लास्ट रीजन। तो ये भी जो रहता है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन रहता है, फोरगट और हाइंड गट एक्टोडर्मल ओरिजिन रहता है, बाकी मिड गट एंडोडर्मल रहता है। और इसमें इंटरनल क्यूटिकल लाइनिंग जो है प्रेजेंट रहता है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या रहता है, ये परमेबल रहता है, जो साल्ट और एमिनो एसिड्स और वाटर रहते हैं उनको क्या करता है ये अलाउ करता है अंदर आने के लिए। अब देखा जाए तो हिट में हाइंड गट में थ्री रीजन सेपरेट रहते हैं, थ्री रीजन बटे होते हैं। तो पहला है आपका इलियम, दूसरा है आपका कोलन और तीसरा है आपका रेक्टम। तो बात करें इलियम का, तो इलियम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो कुछ लार्वी रहते हैं किसके, स्कैरब और टर्माइट की बात करें तो उनका जो इलियम का स्ट्रक्चर है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बने रहता है, जो कि क्या हेल्प करता है, जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड कराता है, या जो सिम्बियोन्ट्स रहते हैं उनको रहने की जगह देता है, ताकि वहाँ पे फर्मेंटेशन हो पाए, इसलिए उसको बोला जाता है एज ए फर्मेंटेशन चैम्बर। अब सेकेंड आता है पॉइंट आपका कोलन, तो कोलन की बात करें तो किसी किसी डाइजेस्ट सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, किसी में नहीं रहता है, और जिसमें अगर ये प्रेजेंट रहता है तो क्या काम करता है, ये जो इलियम से जो फूड पार्टिकल है या वेस्ट पार्टिकल है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है या आगे बढ़ाता है रेक्टम में। बात करते हैं अपन रेक्टम की, तो रेक्टम में आप देख सकते हैं डायग्राम में, रेक्टम में क्या रेक्टल पैड्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, किसका, वाटर और सॉल्ट का, और जो अदर यूजफुल सबस्टेंस रहते हैं जो कि उनको कहाँ से मिलते हैं, अपने फीकल से मिलता है। तो वो फीकल सबस्टेंस जितने भी सब यूजफुल सबस्टेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो क्या होता है फिर एक्सक्रीट हो जाता है एनस के थ्रू। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाइंड गट का मेन फंक्शन क्या रहा, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट यूजफुल सबस्टेंस रहे, एग्जाम्पल की बात करें वाटर सॉल्ट की बात करें, तो वो क्या करते हैं उसको रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन का काम तो मिडगट में हो जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस रहते हैं वो एब्जॉर्ब तो मिडगट में हो जाता है, लेकिन बात करें रीअब्जॉर्प्शन की, तो जो वाटर सॉल्ट जो बच जाता है उसमें आपके फूड पार्टिकल्स में उसको फिर से ले लिया जाता है रेक्टम के थ्रू, चाहे वो फीसस की बात करें चाहे यूरिन की बात करें, दोनों में से यूजफुल सबस्टेंस रेक्टम के थ्रू ले लिया जाता है। तो ओवरऑल ये इनका मेन फंक्शन होता है। तो आई होप गाइस आपको डाइजेस्ट सिस्टम समझ में आया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और जिनको ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर करिए। और बाकी कुछ अगर सजेशन है आपके द्वारा तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स आते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।